यह है मेरा गांव। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो बनाने का मेन टॉपिक ये है कि जो पीछे दिखाई दे रही है पहाड़ी, उस पर जाना है हमें। उस पर जाने का मेन रीज़न ये है कि जो अरावली श्रृंखला की गोद में एक गांव बसा हुआ है, उस गांव का मैं आज आपको रिव्यू कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, देरी ना करें, चलते हैं ऊपर। पहाड़ी की काफ़ी ज़्यादा हाइट है, तो दोस्तों चल रहे हैं ऊपर और देखते हैं कैसा है वो गांव। दोस्तों, वीडियो से पता चल गया होगा कि पहाड़ी की हाइट ज़्यादा है और काफ़ी तेज़ ठंडी हवा चल रही है। तो दोस्तों, सर्दी का मौसम में अगर ठंडी तेज़ हवा चलेगी तो सर्दी लगना वाजिब है ही है ना। तो चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं। दोस्तों, ये मेरे गांव की अनोखी शान है, जो राजस्थान का सबसे लंबा और ऊँचा ब्रिज है। ब्रिज की लंबाई है 840 मीटर और हाइट है 23 मीटर। इसको मैं 3 से 4 साल हुए बने हुए को, और आज तो हवा से फराटे भरती हुई गाड़ियाँ दौड़ रही है, और यहाँ पर कई यूट्यूबर आते हैं और वीडियो शूट करके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। तो देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, चलते आगे। तो दोस्तों, हम फाइनली पहुँच गए हैं पहाड़ के ऊपर। और बात ये थी कि इस गांव के बारे में, तो ये गांव एक चारों तरफ विशाल पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, और ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, और ये पहाड़ अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में आते हैं। और ये जंगल है ना, इस जंगल के अंदर भयानक भयानक जानवर भी रहते हैं, और जैसे चीता है, भालू है, तेंदुआ है, काफ़ी जीव यहाँ पे रहते हैं। और जनवरी का महीना है और इन पहाड़ों के बीच में काफ़ी तेज सर्दी पड़ती है। विशेष बात इस गांव की यह है कि जो ये गांव है ना, इस गांव के पीछे एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी में एक पुराने ज़माने का सोने का कड़ावा समझते हैं, बहुत बड़ा कड़ावा होता है, वो कड़ावा दबा रखा है, और उस कड़ावे की निगरानी नाग देवता करते हैं। नाग देवता समझते हो ना, सांप निगरानी करता है उसकी। और यहाँ के लोगों का कहना है कि उस कड़ावे को निकालने जाता है तो उसको आगे से सांप अटैक करता है। तो ये चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे, और हमारा वीडियो यहाँ तक ही है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आपके प्यारे से अंगूठे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपका सपोर्ट मिलेगा तो रोज़ ऐसी नई नई वीडियो बनाता रहूँगा। इस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है मुझे, और काफ़ी दर सहन करना पड़ा इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। काफ़ी ऊँचा पहाड़ है, काफ़ी कांटे लगे हैं, और आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो आप मारवाड़ी में समझते होंगे, राजस्थानी में समझते होंगे कि भट्टिया काफ़ी मेरे कपड़ों पे लग चुके हैं, उसको तोड़ने में भी काफ़ी समय लगेगा मेरे को। तो दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह है मेरा गांव, और इस गांव में मैं रहता हूँ।